क्योंकि आप मनोज तिवारी रवि किशन पे खूब हमले बोलती हैं, सवाल उठाती हैं कि ये लोग भाई इनको क्यों बीजेपी टिकट दे रही है क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है क्या कैसे लोगों को टिकट देना है तो मतलब दूसरी पार्टी देती है कभी मैंने देखा नहीं कि आपने कोई सवाल उठाया हो, पूछा हो मेरी लड़ाई भोजपुरी भाषा को लेकर के है ना मेरा आंदोलन भोजपुरी बचाओ आंदोलन है ना क्राइम हटाओ आंदोलन तो मेरा नहीं है भोजपुरी की बात करके आप चुनाव तो, तो, तो नहीं लड़िए अभी कौन सा मैं चुनाव लड़ रही हूँ महाराज तब का तब देखा तो, रही तो, तो, रही तो, तो चुनाव लड़ना है भोजपुरी के अलावा अन्य चीजों पे बात करती है ना नहीं है नहीं मैं भोजपुरी गीत पे बात करती हूँ मैं गीत लिखती हूँ अन्य चीजों जैसे करती है मैं सवाल भी मुद्दों को किन मुद्दों पे मुझे बोलना है संसद में जाने के लिए चुनाव लड़ना होगा चुनाव जीतना होगा जब चुनाव लड़ने आप जाएंगे तो केवल भोजपुरी पे बात तो करेंगे नहीं हाँ। दिल्ली के मुद्दों पे बात करनी होगी तो क्या लगता है क्या है दिल्ली में समस्या जिनको आप उठाएंगे क्या नहीं नहीं देखिए सबसे पहले तो आप मेरे गीत सुनिए चार सालों से मेरे गीतों में बस बेरोजगारी महंगाई किसानों की समस्या बेरोजगारों की समस्या मजदूरों की समस्या महिलाओं की समस्या के ही मैं गीत गाते आ रही हूँ तो मुझे लगता है की अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मेरे चुनावी मुद्दे भी यही सारे मनोज तिवारी पे जब आप हमला बोलेंगे

मैंने कहा तो कि मैं बेरोजगारी महंगाई के गीत गाती हूँ पवन सिंह को आसन से डिगड़ दे लगता है कि पवन सिंह जैसे लोगों को राजनीति माने चाहिए पवन सिंह जी ने भोजपुरी को कम थोड़ी गंधवाया हुआ है वो भी तो रोज ढोड़ी में जन खोद गोदी में लेके जन खोदी जीजा जी गाते रहते हैं नमस्कार आज हमारे साथ हैं भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो आजकल अपने भोजपुरी सांसदों के खिलाफ खूब हमला बोल रही है सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी आवाज उठाती रहती है और अब चर्चा ये है कि संसद में अपनी आवाज उठाने की तैयारी कर रही है अगर आसान शब्दों में कहें तो ये सांसदी के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है इस बात की चर्चा है आपका बहुत स्वागत है शुक्रिया किश्ले। आप कैसे तो, हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ आप कैसी हैं बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसा तो बहुत सारे इंटरव्यू आपने दे लिए तो कुछ अलग पूछते हैं हाँ पूछिए आपने एक वेब सीरीज में काम किया था एक ही थी वो नाम याद है उसका खाकी बिहार चैप्टर उसमें आपका रोल था आप गाना गाते हैं एक जगह बैठ के ढोलक हाँ हाँ बजाती हैं हाँ, हाँ फिर एक डॉन आता है डर हाँ जाती हैं आप चंदन चंदन आ जाता है हाँ चंदन बहतो डर हाँ जाती हैं आप हाँ हाँ आ गया। फिर वो कहता नहीं, नहीं, नहीं गाओ गाओ गा हाँ तो क्या लगा था उसको देख के जब फिल्म जब आप कर रही थी तो कितना बड़ा डॉन था <laughs> देखिए सच बात यह है कि रियल लाइफ में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मैं क्यों डरूं वहाँ पे सब कुछ एक्टिंग, एक्टिंग करके एकदम से मुझे बताया गया था कि ऐसे आपको एक्टिंग करनी है वो उस रियल लाइफ में उसका नाम पता है आपको क्या है अशोक मै तो शादी की है कल उन्होंने शादी इसलिए की है कि चुनाव लड़ सके अच्छा 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 तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति माननी चाहिए <laughs> देखिए मुझे बहुत जानकारी नहीं है उनके बारे में ये जब आपने पूछा कि उनका रियल नाम और मैंने वो फिल्म की थी मुझे इतना पता था कि किया था, तो आपको बहुत डर जाना है और फिर मुझे अशोक महतो नाम का। थोड़ा बहुत जानती होंगी आप अशोक महतो के बारे में थोड़ा बहुत बस हाँ। इतना ही कि बस इतना ही मुझे पता है कि वो बहुत बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए आपके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आपराधिक जो है कैरेक्टर वाले लोगों को चुनाव में होना चाहिए आ, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ठीक बात है क्योंकि आप मनोज तिवारी रवि किशन पे खूब हमले बोलती हैं सवाल उठाती हैं कि ये लोग भाई इनको क्यों बीजेपी टिकट दे रही है हाँ। क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है क्या कि ऐसे लोगों को टिकट देना है तो मतलब दूसरी पार्टी देती हैं कभी मैंने देखा नहीं कि आपने कोई सवाल उठाया हो पूछा हो नहीं 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 मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ अभी जब आप अपराध की बात कर रहे हैं और आप ये बात कर रहे हैं कि चुनाव में ऐसे लोग या टिकट ऐसे लोगों को देखिए बलात्कार या अपराध दो दो तरीके के होते हैं एक जैसे बलात्कार की मैं बात करूँ तो एक होता है देह से बलात्कार करना और गुण। गुण। एक होता है भाषा के साथ बलात्कार करना या अपराध करना तो मनोज तिवारी जी जैसे लोग जो हैं या रवि किशन जी जैसे लोग जो हैं वो भाषा के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं और टिकट की जहाँ तक रही बात तो बिल्कुल मुझे लगता है कि भाजपा ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है प्रमोट कर रही है कि भाई आपने कितना भी गंदा गाना गाया है आपका कुकर्म क्या रहा है आपका बैकग्राउंड क्या रहा है हमें उससे मतलब नहीं है हम तो बस ए, हमको बस इस चीज से मतलब है कि हाँ यहाँ पे इनके फेवर के लोग हैं तो हम इनको टिकट देंगे और इनको जो है हम संसद भेजेंगे तो हाँ मेरा सवाल रहा है मेरा विरोध रहा है अभी भी है आगे भी रहेगा कि भाजपा जो है ऐसे लोगों को प्रमोट करे अदरवाइज आप खुद बताइए भाजपा तो से कांग्रेस से से भी विरोध कर सकती आप कांग्रेस से भी कह सकते हैं कि भाई आप भी ऐसे हाँ। को टिकट क्यों देते हैं जैसे इन्होंने है। किसको टिकट दिया है, है? जैसे इन्होंने किसको टिकट अभी पप्पू यादव शामिल हुए हैं हाँ हाँ। पप्पू यादव के ऊपर भी कई आरोप लगे हैं मेरी लड़ाई भोजपुरी भाषा को लेकर के है ना मेरा आंदोलन भोजपुरी बचाओ आंदोलन है न क्राइम हटाओ आंदोलन तो मेरा नहीं है

क्या दिक्कत है आप बताइए क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत तो नहीं है हाँ तो विचार विचार फिर इन चीजों पे भी करना चाहिए ना बिल्कुल करूंगी वो अलग जिम्मेदारी होगी दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना मैं कोई चुनी हुई लोग गायिका नहीं हूँ। मैंने ये जिम्मेदारी खुद से महसूस किया कि हां मुझे भोजपुरी के लिए काम करने की जरूरत है क्योंकि मैं भोजपुरी भाषी हूं तो मुझे भोजपुरी के प्रति सजग रहने की जरूरत है सेंसिटिव रहने की जरूरत है तो ये जिम्मेदारी मैंने खुद से ली है अब मैं नहीं नहीं, नहीं, नहीं आप मेरी बात सुनिए यहाँ पे क्राइम हो रहा है यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है साल, सारे सवालों की जिम्मेदारी मेरी है क्या सच पूछिए तो किसी भी चीज की जिम्मेदारी मेरी लिखती है सीधी में पेशाब कांड होता है उस पर लिख देती हैं आप कहीं किसी की पिटाई होती है वहां लिखती हैं आप भोजपुरी पे आप केवल बात नहीं करती हैं आप सारे मुद्दों पर बात करती इसलिए मैंने सारे मुद्दों से जुड़े सवाल देखिए अगर सीधी में पेशाब कांड हुआ तो मैं वहां की सरकार से सवाल पूछूंगी तो क्या करूं मैं बताइए मैं ये कह रहा हूँ मतलब भोजपुरी के अलावा अन्य चीजों पर बात करती है ना नहीं नहीं मैं भोजपुरी करती बात नहीं नहीं मैं नहीं गीत नहीं लिखती हूँ मैं नहीं, बता दे रही हूँ मैं बेरोजगारी पे गीत लिखती हूँ मैं महंगाई पे गीत लिखती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है की यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए यहाँ पे मुझे अपने गीत के माध्यम से आवाज उठाना चाहिए ये मैं ही डिसाइड करूंगी की मुद्दों बोलना बात है। आप कह रहे हैं भोजपुरी की आप जब पिछली बार यहाँ आई थी हाँ। और आपने एक बयान दिया था जो आजकल खूब वायरल हो रहा है हमारे इंटरव्यू की मुझे लगता है फिलहाल आप ऐसा ही कोई बयान मुझे मेरे मुंह से निकलवाना तो चाह रहे हैं कि बस कुछ वायरल कंटेंट आपने कहा आपने कहा था कि आप अगले पांच साल और दस साल जो है भोजपुरी के लिए काम करते हुए दिख रही है ठीक है ठीक है ठीक है फिर दूसरा बयान को ही आपने दिया उसमें आपने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी किसी भी पार्टी टिकट में <laughs> मतलब ये कैसे ले लिया आपने उस समय कहा कि दस साल तो सोच भी नहीं सकती ठीक है और फिर अचानक मैं तो लड़ूंगी कोई भी पार्टी टिकट ठीक है ठीक है देखिए आलोचना होती रहनी चाहिए आलोचना लोकतंत्र का साबुन है सबकी यहां पे साबुन से धुलाई होती रहनी चाहिए मेरी भी मैं बहुत लोकतांत्रिक लड़की हूं और मैं इस चीज में यकीन करती हूं कर एकदम आपका स्वागत है नहीं। किया जाना चाहिए नहीं, आलोचना नहीं कर रहा मैं तो पूछ रहा हूँ हाँ, क्यों ले लिया आपने हाँ मैं बता दे रही हूं देखिए आदमी हर सुबह एक नई सोच के साथ जगता है एक नई उम्मीद के साथ जगता है कई बार ऐसा होता है कि कल को जो हम सोच रहे होते हैं उसमें संशोधन की बड़ी जरूरत होती है कल को लगता है कि कल जो हम सोच रहे थे वो बहुत ही ट्रेडिशनल विचार था किसी भी चीज़ को लेकर के वो मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा ट्रेडिशनल था हमें जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ना है या थोड़ा प्रोग्रेसिव होना है तो हमें उस विचार को छोड़ना होगा कुछ नया इसमें बदलाव करना होगा मेरे कहने का मतलब बस यही है कि कल को मैंने क्या बोला ब्रह्मा की लकीर तो नहीं है कुछ भी कि बस भैया मैंने बोल दिया है कि मैं ऐसी हूं तो मैं ऐसी ऐसा नहीं है मैं नेहा सिंह राठौर जिसके अंदर ढेर सारा विचार है इन विचारों में संशोधन करती रहूंगी मैं जिद्दी और अड़ियल और तो मतलब आज जो आप बोल रही हैं अगले दो साल बाद इन बातों पे हम ऐसा नहीं करेंगे क्या नहीं पता पलट जाए नहीं ऐसा नहीं मैंने संशोधन की बात कही ना कि विचारों में संशोधन होते रहने की जरूरत है आज मुझे लगेगा कि ये थॉट बहुत पुराना है तो मुझे लगेगा कि कल जो है मुझे नए थॉट के साथ

अच्छा उसे पहले क्या बातचीत हुई किसी को नहीं पता नहीं जो होता है वही, वही लोग देखते हैं मैं बता दे रही बातचीत बात बात पूरा इंटरव्यू देखिए कि पूरी बातचीत क्या है और यस बोला का चुनाव लड़ेंगी यस अगला लाइन किसी भी पार्टी से यस तो भाई आपको क्या बताया जा रहा है मतलब नहीं 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 हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है एडिटेड बाइट की मैं बात नहीं करी हाँ मैंने बोला है कि मैं चुनाव लड़ूंगी अगर कोई भी पार्टी मुझे इस योग्य समझती है या मुझ पर विश्वास करती है मेरी जैसी लड़की के लिए कि इसलिए बहुत बड़ी बात है कि कोई पार्टी मेरे बारे में ये सोचे कि इनको लोकसभा का टिकट देना है मैं गांव देहात से आती हूँ मैं पिछले तीन चार सालों से सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ अगर कोई भी पार्टी मेरे बारे में अगर ऐसा सोचती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये लड़ाई जो मेरी भोजपुरी लोकगीतों को लेकर के हो रही है भोजपुरी बचाव को लेकर के हो रही है ये लड़ाई अब तक तो बस सोशल मीडिया तक ही सीमित है मैं जमीन पर इसलिए नहीं आ रही हूं क्योंकि भाई मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है मैं नहीं कर सकती आंदोलन उस तरीके से है ना क्योंकि आपको पता है सरकारें तो कितनी नाराज रहती हैं मुझसे तो अगर मुझे मौका मिला भोजपुरी की छवि सुधारने का तो हाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं संसद से भी ये आवाज उठाऊं लेकिन संसद में जाने के लिए चुनाव लड़ना होगा चुनाव जीतना होगा जब चुनाव लड़ने आप जाएंगी तो केवल भोजपुरी पे बात तो करेंगे नहीं दिल्ली के मुद्दों पे बात करनी होगी तो क्या लगता है क्या है दिल्ली में समस्या जिनको आप उठाएंगे नहीं नहीं देखिए सबसे पहले तो आप मेरे गीत सुनिए चार सालों से मेरे गीतों में बस बेरोजगारी महंगाई किसानों की समस्या बेरोजगारों की समस्या मजदूरों की समस्या महिलाओं की समस्या के ही मैं गीत गाते आ रही हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मेरे चुनावी मुद्दे भी यही सारे चीज मनोज तिवारी पे जब आप हमला बोलेंगी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे

मैंने कहा तो कि मैं बेरोजगारी महंगाई के गीत गाती हूं और, देश में और दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है भाई साहब यहाँ पे इतना जाम लगता है इतनी गाड़िया चलती हैं कि अगर मुझे मुखर्जी नगर से नोएडा आना है तो मुझे एक डेढ़ घंटे लग जाते हैं और शाम का अगर ऑफिस का टाइम हो तो इतना ज्यादा भीड़ लगता है कि मैं तो अलग ही थकान लग जाती है दूसरी चीज मुझे लगता है कि बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पे अभी मैं लखनऊ में शिफ्ट हूँ तो हम और हिमांशु रोज शुक्रिया करते हैं कि अच्छा है कि हम लोग पाँच दस साल और ज्यादा हमारे जो फेफड़े हैं वो जीवित रहेंगे तो यह भी पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा अच्छा भोजपुरी की बात कर रही हैं भाजपा ने एक और टिकट दिया उनके खिलाफ आप ज़्यादा कुछ लिख तो नहीं रहे लेकिन मैं पूछ ले रहा हूँ पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया लगता है कि पवन सिंह जैसे लोगों को राजनीति माननी चाहिए मैंने कहा तो कि पवन सिंह की टिकट तो कट गई है ना

दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी को टिकट मिल सकता है तो पवन सिंह जी ने भोजपुरी को कम थोड़ी गंधवाया हुआ है वो भी तो रोज ढोड़ी में जन खोद गोदी में लेके जन खोदी जीजा जी गाते रहते हैं इन्होंने कोई कम थोड़ी ना गंधवाया हुआ है भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने का काम तो इन्होंने भी किया और भाजपा का तो मिजाज ही है कि जो भोजपुरी में जितना जितनाश्लीलता फैलाएगा उसको उतना जल्दी जल्दी टिकट देगी तो मुझे लगता है कि पवन सिंह जी का टिकट कटना नहीं चाहिए था पवन सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए वो भी जाए और और ज्यादा गंधवाएं देश की राजनीति को गंधवाएं अब तक तो भोजपुरी भाषा को गंधवा ही रहे थे सर लोग ये भी कह रहे हैं कि राधे किशन और मनोज तिवारी पर आप जो हमले बोलते हैं जिन गीतों के को लेकर हमला बोलते हैं आप तो ये लोग ना कई जगह कई इंटरव्यू में अपने इन गीतों के लिए माफी भी मांग चुके हैं रवि किशन कई बार कह चुके कि हाँ होगी थी गलती मुझसे अब नहीं होगा तो मुझे लगता है कि चार पांच सालों से उन्होंने कोई ऐसा कुछ मुझे कोई ऐसा लगता है ना, तो नहीं गया मुझे लेकिन लग... ना, अब ये बार बार इसी मुद्दे पे बार बार हमला करना ठीक है क्या कोई नया मुद्दा लेके आयो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं किसले जी आपने पीछे में जो कुकर्म किए हुए हैं ना वो पीछा छोड़ते नहीं है दूसरी बात आपके माफी मांग लेने से और कान पकड़ के उठक बैठक कर लेने से आपके पाप खत्म नहीं हो जाते हैं क्योंकि जब मनोज तिवारी जी ये गा रहे थे कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ा तो न जाने कितनी बेटियों और कितनी लड़कियों का शिक्षा ये बाधित कर रहे थे कि बाहर नहीं पढ़ने भेजना है गाँव में रह के पड़ेगी वो लड़कियां आज बहुत कुछ कर सकती थी वही डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर न्यूज एंकर पार्लियामेंट जा सकती थी वो बहुत बड़ा कर सकती थी देश की राजनीति में भाग ले सकती थी देश को बहुत कुछ दे सकती थी लेकिन फिलहाल वो बेडरूम बेडरूम से से किचन किचन से बेडरूम और चूल्हा चौका बर्तन ही कर रही हैं उन लड़कियों के गुनहगार हैं ये लोग तो इनके माफी मांग लेने से थोड़ी चीजें खत्म हो जाएंगी तो ये कब तक चलता रहेगा कब तक हमला बोलती रहेंगी आप इन गानों को लेकर जब तक भोजपुरी की छवि पूरी तरीके से सुधर नहीं जाती जब तक ऐसे लोग और ऐसे लोगों को टिकट मिलना नहीं बंद हो जाता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी अच्छा आज इधर कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ क्रिएटर्स को अवार्ड दिए तो आप उसमें नजर नहीं आई आपको बुलाया नहीं गया कि आप गई नहीं <laughs> देखिए मुझे तो किसी भी इवेंट्स में नहीं बुलाया जाता नहीं मुझे बुलाया नहीं गया मुझे बुलाया जाता तो मैं जरूर जाती मैं तो चाहती हूँ मैथिली को मिला बहुआ करके लोगों को मिला, मिला। दो, दो, हजार लोगों को मिला सबसे पहली चीज़ कि मुझे ये लोग किसी भी इवेंट में नहीं बुलाते इनफैक्ट मेरा कोई इवेंट होने वाला होता है नहीं। तो जी से सवाल पूछती हमारे ये जाकर के कैंसिल करवाते हैं ये लोग हाँ हाँ ऐसा होता है ऐसा मैं फैजाबाद में एक इवेंट था मेरा अशफाकुल्ला खान को लेकर के जेल में होना था कुछ बड़ा सा इवेंट फैजाबाद के लोग कर रहे थे मुझे बुलाया था पता चला जेलर को कि नेहा सिंह यकीन ही नहीं हुआ किसले मैं सच बता रही हूँ उनको पता चला कि नेहा सिंह राठौर आ रही तो वेन्यू ही चेंज करा दिया परेशान करने के लिए कि नहीं यहाँ पे उसको अलाउ नहीं वो यूपी में कावाज उगाई थी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ मतलब भाजपा ने आपका बड़ा नुकसान किया तो आपने सोचा कि चलो छोड़ते हैं इधर चलते हैं कांग्रेस की तरफ <laughs> नहीं ऐसी बात नहीं मैं कहा कांग्रेस की तरफ भी गई हूं आप देखिए एक चीज तो है, तो है किसला कि मैं एबीपी न्यूज का बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूं देखो भाई चर्चा में बने रहना किसे नहीं अच्छा लगता है दूसरी चीज सकारात्मक कारणों से मैं चर्चा में हूं सच में मुझे खूब अच्छा लग रहा है पहली बार मैं मुंबई गई थी मुझसे उन्होंने एक सवाल पूछ लिया कि क्या आप कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहेंगे कांग्रेस के टिकट पर और मैंने एक जवाब दे दिया कि मैं जरूर विचार करूंगी इसके बाद मीडिया वालों ने जो मस्त हवा बनाया है कि मैं खुद ही खोलती हूँ अपना यूट्यूब तो मेरे ढेर सारे नेहा जो है मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है ट्विटर बनाया कि आपने भी बनवाया है मैं अरे नहीं 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 हिमांशु जी की जो बात कर रहे हैं उनसे उन्होंने मुझसे कहा कि नाम तो चला गया है अब देखिए एक दो तो दिन में नाम आ जाएगा हम नाम तो चल ही रहा है खबरें तो चल ही रही है। मुझे देखिए में भी नाम है मुझे नहीं पता हिमांशु जी को पता होगा मुझे नहीं पता ये तो पार्टी हिमांशु को भी नहीं पता होगा वो तो पार्टी थे वो नहीं 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 वो मजाक किया होगा आपसे पार्टी के शीर्ष नेता डिसाइड करते होंगे कि किसका नाम होगा किसका नाम नहीं होगा दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अरे महाराज मैं क्यों हवा उड़वाऊंगी इतनी पावरफुल मैं नहीं हूँ कि मैं कोई हवा उड़वा दूं इतनी पावरफुल मैं नहीं हूँ पावरफुल इतना पावरफुल सिर्फ एक व्यक्ति है हैं, हैं। बहुत ही विवादित तरीके का बयान क्यों निकल एलविश यादव को मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ दूसरी चीज आप जो पूछ रहे होंगे आपने पहले बता दीजिए मतलब लोग को थोड़ी जब प्रसिद्धि मिल जाती है जब लोग थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं तो गलत रास्तों पर चले जाते हैं ऐसा लगता है आपको

नहीं नहीं मैं सलाह कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ रही बात अगर एलविश यादव की जिसमें आप मुझसे कुछ बयान लेना चाह रहे हैं तो मैं बस यही बात कहूँगी कि देखिए अगर उनको अभी जेल हुआ है ना शायद चौदह चौदह दिन के लिए हिरासत में खबरें मैं भी देखती रहती हूँ ठीक है कोई भी कानून का उल्लंघन करे तो सजा होनी चाहिए उसको इतनी सी ही मैं बात बोलना चाहूँगी बाकी वो सब कार्रवाई और जाँच का विषय होगा वो पुलिस अपना काम कर रही है उसमें मुझे नहीं पता है बहुत कुछ तो हमारे साथ थी नेहा सिंह राठौर तमाम मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की बाकी हमारी बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव